गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काजल प्रसाद चैनल ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो ये देखिए, ये है मेरे घर के फूल, ये है उड़हल का फूल और ये व्हाइट वाला फूल जिसे तोड़ा गया है। और हम लोग जाएंगे, नहाएंगे और घर में माता रानी की पूजा करेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो में कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहिए। और उसके बाद आज जाएंगे हम लोग तो शिव मंदिर, क्योंकि आज फर्स्ट सोमवार ही है तो वहाँ भी पूजा करना है। तो आज मैं आपको वहाँ के भी मंदिर के कुछ दर्शन कराती हूँ। तो आज लो आप लोग को मैं शिव मंदिर का भी दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहिए। और मैं आपको जैसे ही मंदिर पहुंचती हूँ तो मैं वहाँ आप लोग को वहाँ का कुछ वीडियो दिखाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं दिखाने की आप लोग को कोशिश करूंगी। तब हम लोग जाते हैं नहाने, अब हम लोग घर में पूजा करके फिर मंदिर को निकलेंगे। तो हम लोग अब घर पे पूजा कर चुके हैं, तो अब जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए, शिव जी के मंदिर पूजा करने के लिए। तो अब मैं मिलूंगी आपसे शिव जी के मंदिर में, या फिर मैं रास्ते का कुछ वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। तो ये देखिए, हमारा घर का पूजा हो चुका है, सभी लोग पूजा कर चुके हैं और सभी लोग रेडी भी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो अब चलिए, मैं मिलूंगी अब आपसे रास्ते में, और कुछ रास्ते का ब्लॉग्स वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर और यहाँ सब कुछ ले लिया गया है पूजा करने के लिए। आगे मम्मी जा रही है और जैसा कि आप लोग मंदिर देख चुके हैं, आप लोगों ने मेरे पहले भी ब्लॉग में यहाँ के मंदिर के दर्शन आप लोगों ने किए हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज भी आप लोगों का दर्शन करवा दूँ। तो ये देखिए, अब हम लोग मंदिर पहुँचने ही वाले हैं, इनफैक्ट पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर। और मंदिर में भीड़ आप देख रहे हैं, और ये देखिए, ये है हमारे शिव जी। तो अब यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं।
अब नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए, ये है हमारे आज के नाश्ते में पास्ता। तो ये पास्ता है रेडी है, जिसके ऊपर मैंने सॉसेस वगैरह डाल दिए हैं। तो अब सभी लोग नाश्ता करेंगे, और मुझे तो आज ये सब कुछ करना है नहीं, तो मैं कुछ फल ही खाऊंगी। तो मैं क्या खाऊंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे आप लोग ब्लॉग में जरूर जाकर जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को मेरा पास्ता देखने में कैसा लगा। और सच बताया, पास्ता देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है। तो मुझे तो खाना है नहीं, तो उसे स्किप ही किया जाए। और मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि किन किन लोगों को पास्ता बहुत पसंद है। तो अब ये आ गया, ये है हमारा आज का भोजन, जिसे कहते हैं आम। और ये आम हमारे घर का आम है, क्योंकि आज जब मैंने व्रत किया है तो कुछ फल ही खाना होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना घर के ही आम है तो इन्हें खाया जाए, तो मैंने कट किया है। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मीठा इसका स्मेल आ रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ खाने, तब अब मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए दिन, एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर जाके जरूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और मेरे ब्लॉग को बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब मैं चलती हूँ खाने, और जिन जिन लोगों को खाना है आइए आप लोग भी आके खा लीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।